डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, यानी हमारे हमें कुछ डेटा दिया गया है तो उसका सेंटर की टेंडेंसी क्या है, यानी डेटा का सेंटर किधर है, ये सब पता लगाने के लिए हम लोग कुछ पैरामीटर्स है, कुछ चीज़ें कैलकुलेट करते हैं जिसे हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें तीन चीज़ें आती हैं, मीन जो कि आपका नंबर्स का एवरेज होता है, फिर मीडियन, ये मैं अभी आपको बताऊंगा आगे की स्लाइड में, और मोड। आइए समझते हैं मीन क्या होता है। सपोज कीजिए कोई डेटा दिया हुआ है, जैसे दिया है 6, 7, 2, 7, 8, 5, 3। ओके, ये मान लीजिए ये डेटा दिया हुआ है। ओके, तो इसका मीन मतलब इसका एवरेज, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग हमको पता होना चाहिए कितने कितने नंबर ऑफ डेटा हैं। ओके, तो नंबर ऑफ डेटा को चेक करते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 डेटा पॉइंट्स हैं। ओके, तो हमारा जो मीन होता है वो ये होता है, सम अपॉन टोटल। ओके, टोटल नंबर ऑफ डेटा। ओके, तो यानी इस केस में होगा हमारा 6 + 7 + 2 + 7 + 8 + 5 + 3 / 7। ओके, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो मीन है। ओके, तो इस तरीके से हम मीन निकाल सकते हैं। इसका दूसरा नाम एवरेज भी है। एवरेज से हमें डेटा का सेंटर लगभग किस तरफ है उसका आइडिया हो जाता है। ओके, कई बार हमें जो एवरेज है या मीन है उससे हमें डेटा का सेंटर पता नहीं चल पाता है। ओके, तो उस केस में हमें मीडियन निकालना पड़ता है। तो आइए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मीडियन क्या चीज़ होती है और कब आपका मीन सेंटर डेटा को नहीं सही से बताता है। तो मान लीजिए आपके पास डेटा है 6, 3, 4, 3, 2, 8, 10। ओके, ये डेटा है, अब हमें इसका मीडियन निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को पहले सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे, यानी जो पहला स्टेप है राइट डेटा इन सॉर्टेड ऑर्डर। ओके, तो हाँ ये देखते हैं, तो सॉर्ट किया तो 2 सबसे पहले आता है, फिर 3 आया, फिर 3 आया, फिर इसके बाद 4 आया, फिर 6 आया, और फिर 8 आया, और 10, मेरे ख्याल से ये हो गया। ओके, अब इस डेटा को देख लेते हैं, ये इसका नंबर क्या है। ये है 1 फर्स्ट पोजीशन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो यदि 7 डेटा पॉइंट्स हैं तो इनका मिडिल पॉइंट क्या होगा, ये वाला, ये डेटा, क्योंकि इसके 3 डेटा इधर हैं और 3 डेटा इधर हैं। ओके, ये बात तो तब रही जब आपके पास इवन नंबर ऑफ सॉरी ऑड नंबर ऑफ डेटा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि जो उसका मिडिल पॉइंट होगा वो हाफ प्लस वन होगा। ओके, यानी आपका 7 है तो 7, ठीक है, तो 7, 7, 7 + 1/2, ठीक है, यानी आपका जो ऑड है तो उसमें क्या होगा, n + 1/2 आपका मिडिल पॉइंट बता देगा। ओके, लेकिन मान लीजिए ऐसा ना हो, मान लीजिए यहाँ पर 11 होता। ओके, तब तो हमारे पास 8 डेटा पॉइंट्स हो जाते हैं। ओके, अब इस केस में क्या होगा कि 2 मिडिल पॉइंट्स हमारे पास आ गए, 3 इधर, 3 इधर, और ये 2 मिडिल पॉइंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे। ओके, तो ये जो दो दो मिडिल पॉइंट्स हैं इनका एवरेज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 6/2, यानी मीडियन आपका हो गया 5। ओके, तो फॉर्मूला क्या बना, n/2
प्लस एन प्लस वन बाई टू का एवरेज। ओके, एवरेज ऑफ एन बाई टू एंड एन प्लस वन बाई टू इफ ये वो इवन। तो इस तरीके से हम मीडियन निकाल देते हैं। तो ये हमारी सेंटर डेटा को लगभग बता देता है कि ये जो हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटर है, जहाँ पे यहाँ पे हमारा डेटा 2 से लेकर 11 तक डिस्ट्रीब्यूटेड था, और हमारा जो सेंटर था वो एक केस में 5 आया और एक केस में 4 आया। ओके, तो इससे हमें सेंट्रल टेंडेंसी पता चल जाती है डेटा की। तो मीडियन का हमने जैसा देखा कि जो फॉर्मूला था वो ये था कि यदि ऑड हो तो आपका मीडियन होगा एन प्लस वन बाई टू पर जो भी नंबर आए, और यदि इवन हो तो एन बाई टू और एंड एन बाई टू प्लस वन का एवरेज निकालते हैं। ओके, यानी इनका मीन निकालते हैं, यानी इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो हम कह सकते हैं मीन ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके, तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मीन और मीडियन निकालने के, तो आप आसानी से मीडियन इस तरीके से निकाल सकते हैं। आइए बात करते हैं मीडियन निकालने की हमें क्या जरूरत पड़ी, क्यों मीन कभी कभी आपके डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी नहीं बता पाता है। आप सपोज कीजिए कि इस तरीके से डेटा है 2, 5, 7, ओके, 8 और 100। ओके, तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो डेटा का जो मेजर स्प्रेड है वो 2 से लेकर 8 के बीच में है, यानी सेंटर पॉइंट कहीं 2 से 8 के बीच में होना चाहिए। लेकिन यदि हम इसका मीन निकालें, ओके, तो ये आएगा 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 100 बाई कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी बाई 5। ओके, यानी हो गया आपका 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 8 22, 122 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो लगभग आपका 24 पॉइंट समथिंग हो गया। ओके, समथिंग, यानी मोटा मोटा ये बता रहा है कि आपका जो डेटा है वो 20, डेटा का सेंटर 24 है, जबकि आप इस डेटा में देखें कहीं डेटा, यदि हम 24 को सेंटर माने तो 24 के इधर एक ही डेटा है और बाकी सारा डेटा दूसरे साइड है। तो कभी कभी जब आपका डेटा ज़्यादा रेंज में होता है या डेटा का स्प्रेड ज़्यादा होता है, तो मीन एक सही तरीका नहीं होता डेटा का सेंटर जानने के लिए, इसीलिए हम ऐसी सिचुएशन में मीडियन निकालते हैं। आइए मोड की बात करते हैं। ठीक है, मोड बहुत सिंपल है। यदि डेटा है, मान लीजिए 2 है, 8 है, 7 है, 6 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 2 है, ओके, फिर 9 है, ठीक है, तो इसका जो मोड होगा वो ये होगा कि जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वही डेटा का मोड है। तो आइए देखते हैं, तो इसको निकालने के लिए सॉर्ट करते हैं। पहले तो सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2, 2, फिर उसके बाद 6, 6 हो गया, फिर उसके बाद 7, 7, 7 और फिर 8 और 9। तो हमें देखिए क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि ये 2 टाइम्स आया है, ये 2 टाइम्स आया है, 7 3 टाइम्स आया है, और ये 1 टाइम और ये 1 टाइम। तो यानी मोड इसका ये होगा 7। ओके, ठीक, तो इस तरीके से आप मोड निकाल सकते हैं। तो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन में ये तीनों वैल्यूज सेम डेटा पर निकालनी होगी, तो आप लोग निकाल दीजिएगा। आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। मीन यानी आप सारे डेटा का सम निकालिए और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। ओके, मीडियन, मीडियन में यदि ऑड है तो एन प्लस वन बाई टू ऑब्जर्वेशन, और यदि इवन है, ओके,
तो एन बाई टू ऑब्जर्वेशन को ले लीजिए, एन बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन को ले लीजिए, इन दोनों का आप जब निकालेंगे तो देखेंगे दोनों तरफ डेटा पॉइंट्स बराबर हैं। और मोड तो बहुत ही सिंपल है, मोड मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन और द वैल्यू, यानी जब हम ये तीनों निकाल देते हैं तो हमें डेटा का एक तरीके से सेंटर कंफर्म हो जाता है, ओके कि डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। तो इस स्लाइड में मैंने तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको सॉल्व करने हैं, इसमें मेन मीडियन मोड इस डेटा का निकालना है और बाकी दो में केवल मीडियन निकालना है, ओके तो इनको आप निकालिए और असाइनमेंट में सबमिट करिए।